हेलो मेरे प्यारे साथियों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट किंगडम एनिमलिया नॉन कॉर्डेटिस। इस वीडियो में आप जानेंगे कि फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्राटा और टीनोफोरा के बारे में, इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे। ये क्लास 11 का टॉपिक नंबर एनसीईआरटी बायोलॉजी का है, फोर्थ टॉपिक, यूनिट फर्स्ट है किंगडम एनिमलिया। इनके जनरल कैरेक्टर्स की चर्चा करेंगे और फाइलम होगा पोरीफेरा, सिलेंट्राटा और टीनोफोरा। माय सेल्फ दत्ता शिंदे, बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। प्यारे दोस्तों, आपने इसके पहले वीडियो में एग्जाम्पल की चर्चा की है, और जब चर्चा की है तो क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमालिया के दो फाइलम होते हैं, नॉन कॉर्डेटिस, इसे इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, और दूसरा फाइलम होता है क्वाड्रेटिस, उसे वर्टिब्रेट्स कहते हैं। यानी कि किंगडम एनिमलिया दो पार्ट में डिवाइड होता है, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में सिर्फ जानेंगे नॉन क्वाड्रेटिस यानी कि इनवर्टिब्रेट्स के सिर्फ तीन फाइलम की चर्चा करेंगे। इनवर्टिब्रेट्स आ डजंट हैव अ बैकबोन इनसाइड द बॉडी, इनके बॉडी में बैकबोन नहीं होता, ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे एनिमल्स को इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, ये नॉन क्वाड्रेटिस होते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्राटा और फाइलम टीनोफोरा की। सिर्फ तीन ही फाइलम की इस वीडियो सिर्फ तीन ही फाइलम के कैरेक्टर्स की चर्चा करेंगे, पोरीफेरा, सिलेंट्राटा और टीनोफोरा की। साथियों, बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम की, तो फाइलम नॉन क्वाड्रेटिस इनवर्टिब्रेट्स यानी कि ये इनके पहला फाइलम की चर्चा करेंगे, पोरीफेरा के कैरेक्टर। इनका जनरल पोरीफेरा, उसे कॉमन नेम है स्पॉन्जी। सिलेंट्राटा दूसरा फाइलम है, इसका फाइलम ये कॉमन नेम है निडारिया। और तीसरा फाइलम है टीनोफोरा, ये इन्हें सी वॉलनट्स और कॉम जेलिस कहते हैं। ये हुई बात किसके, ये पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, टीनोफोरा, स्पॉन्जीज, निडारिया और सी वॉलनट और कॉम जेलिस, तीन फाइलम के जनरल कैरेक्टर की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, बात जब करते हैं फाइलम पोरीफेरा की, तो पोरीफेरा ये मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम, इस फाइलम के मेंबर्स कॉमनली इन्हें स्पॉन्जिस कहते हैं। और जब बात करेंगे हैबिटेट की, अधिवास की, तो दे आर जनरली मराइन यानी कि समंदर के पानी में पाएंगे, मोस्टली असिमेट्रिकल। ये क्या होता है असिमेट्रिकल, यानी कि टू साइड्स, ये हाल्स होते हैं दैट आर नॉट सेम, एक साथ नहीं होते, सेम नहीं होते, ऐसे एनिमल्स को असिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं, मोस्टली ये असिमेट्रिकल होते हैं स्पॉन्जीज। ये एनिमल स्पॉन्जीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल, ये मल्टी सेलुलर यानी कि बहुपेशीय होते हैं एनिमल्स, एंड हैव सेलुलर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल लेवल पर होता है। जब बात करेंगे इसकी, स्पॉन्जीज हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम। ये देखिए, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम क्या होती है कि वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, इनके बॉडी पर छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे ऑस्टिया कहते हैं, इन द बॉडी वॉल, बॉडी बॉडी वॉल पर ये ऑस्टिया पाएंगे। और बॉडी वॉल पर जब ऑस्टिया होंगे तो सेंट्रल कैविटी में होंगे, सेंट्रल कैविटी क्या होगा, स्पॉन्जर सील होगा। यहाँ पर देखिए, ये स्पॉन्जर सील दिखाई दे रहा है, और बॉडी बॉडी वॉल पर ये ऑस्टिया, वहां ऑस्टिया से वाटर एंटर करेगा, और वेयर इट गोज, स्पॉन्जर सील से वाटर गोज आउट थ्रू ऑस्किलम, ऑस्किलम से ये वाटर बाहर जाएगा। ये वही बात ऑस्टिया और ऑस्किलम की। जब बात करेंगे आगे ऑस्किलम की, जब बात करते हैं यहाँ पर देखिए, ऑस्किलम ये क्या होता है, ये पाथवे होता है, मार्ग होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल, किसमें ऑस्किलम में हेल्पफुल होता है, ऑस्किलम हेल्पफुल होता है फूड गैदरिंग के लिए। फूड यहाँ पर ये ऑस्किलम या माउथ कहेंगे उस ऑर्गेनिज्म का। रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ये ऑपरक्यूलम से होगा, और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल का भी ये ऑस्किलम से होगा। ये वही बात वाटर आउट, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज की इन स्पॉन्जिया में। और कॉनोसाइट्स और उसे कॉलर सेल्स कहते हैं, लाइन द स्पॉन्जोसील। यहाँ पर देखिए कि आपको दिखाई दे रहा है ये स्पॉन्जोसील, और स्पॉन्जोसील पर ये लाइन हुई है कॉनोसाइट्स, ये स्पेशल टाइप्स के सेल होते हैं, ये कैनल्स होते हैं,
और ये कैमल से क्या होता है आगे देखेंगे कि बात करेंगे डाइजेशन की। डाइजेशन इनका इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। इस फाइलम में इंट्रासेल्युलर डाइजेशन यानी कि डाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन द सेल, सेल के अंदर डाइजेशन होगा और डाइजेस्टेड फूड इन्हीं एक, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये डाइजेशन फूड डिफ्यूज इन द साइटोप्लाज्म, इनके सेल के साइटोप्लाज्म में डाइजेस्टेड फूड मटेरियल डिफ्यूज होगा। ये हुई बात है डाइजेशन ऑफ स्पॉन्जेस। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स और स्पिक्यूल्स को क्या कहते हैं, दूसरा नाम है स्पॉन्जियन फाइबर्स। ये इनके बॉडी की जब बात करते हैं तो स्पॉन्जियन फाइबर से बॉडी बनती है। बात करेंगे इनके सेक्सेस की, तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेपरेट नहीं होते। कैसे होते हैं सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, तो कैसे होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट किसे कहते हैं, एग्स यानी कि फीमेल और स्पर्म यानी स्पर्म्स यानी कि इसमें स्पर्म्स यानी कि मेल प्रोड्यूस कहाँ निर्माण होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, एक ही बॉडी में मेल गैमेट यानी कि स्पर्म्स, मेल गैमेट यानी कि स्पर्म्स ये प्रोड्यूस होंगे। और ये स्पॉन्जीज फाइलम स्पॉन्जीज रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, इनके बॉडी का फ्रेगमेंट ये जब टूट जाएगा वहां उसे अनदर स्पॉन्जीज बनेगा, ऐसे कंडीशन को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और बात करते हैं कि ये फ्रेगमेंटेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और दूसरा टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि इसी बॉडी में एक सेल भी प्रोड्यूस होंगे, में स्पर्म सेल भी प्रोड्यूस होंगे। साथियों यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रही एक सेल्स और इसी बॉडी में स्पर्म सेल दिखाई दे रहे। एग और स्पर्म क्या होगा कि फर्टिलाइज होगा, और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की जब बात करते हैं तो ये डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट डेवलप यानी कि लार्वा हैच्ड फ्रॉम द एग, एग से लार्वा हैच होगा और लार्वा मेटामॉर्फिकली ये एडल्ट बन जाएगा। ऐसे कंडीशन को क्या कहेंगे, ऐसे कंडीशन को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के कहेंगे। और ये हुई बात इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की और इंट्रासेलुलर डाइजेशन की। प्यारे दोस्तों जब बात करते हैं एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल्स पाएंगे आपको साइकॉन, ये देखिए यहाँ पर साइकॉन, उसे साइफा कहते हैं, ये साइफा दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे पोर्स इनके बॉडी के सरफेस पर दिखाई दे रहे हैं। फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस दूसरा एग्जाम्पल है, और उसे स्पॉन्जिलिया कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस को। और तीसरा एग्जाम्पल है स्पॉन्जिया, उसे बाथ स्पॉन्जिस कहते हैं। उस यहाँ पर देखिए ऑस्कुलम दिखाई दे रहा है, और ये सेडेंटरी होते हैं, उसे बॉथ बाथ स्पॉन्जिस कहते हैं। ये वही बात है किसकी, फाइलम स्पॉन्जिस की। आगे बात करेंगे कि फाइलम किसकी, सिलेंट्राटा, सिलेंट्राटा यानी कि उसे निडारिया कहते हैं। और ये निडारियन एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, बहुत सारी ये मराई समंदर के पानी में होते हैं, ससाइल यानी कि विदाउट स्टॉक होते हैं, प्री लिविंग भी होते हैं। रेडियल इनकी सिमेट्री होती है यानी कि इनकी बॉडी जब सेंटर कैविटी से सेंटर से बांटेंगे तो दो इक्वल हाल्स बन गए, ऐसे बॉडी को रेडियल सिमेट्री कहेंगे। ये नेम निडारिया ये कैसे डिराइव होता है, डिराइव फ्रॉम निडोब्लास्ट, निडोब्लास्ट को ही निडोसाइट्स कहेंगे। निडोसाइट्स या निडोप्लास्ट क्या होता है कि ये कंटेन करता है स्टिंगिंग कैप्सूल, इनके सेल्स के अंदर होते हैं निमेटोसाइट्स, और निमेटोसाइट प्रेजेंट इन द टेंटेकल्स। यहाँ पर देखिए ये टेंटेकल्स आपको दिखाई दे रहा है, और ये टेंटेकल्स, और ये टेंटेकल्स या निमेटोसाइट्स ये कंटेन करते हैं टॉक्सिक केमिकल्स, एंड दैट इज द कैचिंग प्रे और डिफेंस इनका काम होता है टेंटेकल्स का और निमेटोसाइट्स का। उसे क्या कहते हैं, निडोसाइट निडोब्लास्ट भी कहते हैं। आर यूज्ड एंकरेज यानी कि उस ऑर्गेनिज्म को, जैसे ऑर्गेनिज्म हाइड्रा होता है, एंकरेज यानी कि होल्ड करने के लिए, डिफेंस करने के लिए न्यूरोब्लास्ट होते हैं, और कैप्चर द प्रे यानी कि भक्ष पकड़ने के लिए ये न्यूरोब्लास्ट काम में आते हैं। और निडारियंस या सिलेंट्राटा एग्जिबिट करते हैं टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि क्या होता है, डिराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक सेल्स, जब इनके एम्ब्रियोनिक सेल डिराइव होते हैं तो एम्ब्रियोनिक सेल लेयर्स एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही होंगे, मेसोडर्म इनमें नहीं पाएगा, स्पॉन्जिज में नहीं होगा, और ये सिलेंट्राट्स में भी नहीं होगा।
तो ये इसे कहते हैं डिप्लोप्लास्टिक नेचर्स। साथियों ये फाइलम सिलेंड्रा या निडारिया के मेंबर्स या वो सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ सिंगल ओपनिंग, एक ही ओपनिंग होगी, उसे माउथ कहेंगे, माउथ इसे हाइपोस्टोम कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है हाइपोस्टोम, इसे माउथ कहेंगे। और ये ओरल टिप सराउंडेड बाय टेंटेकल्स, ये हाइपोस्टोम को ओरल टिप कहेंगे और ये सराउंड होती है, ये टेंटेकल से सराउंड होती है। कैसे? टेंटेकल से सराउंड होती है। ये हुई बात टेंटेकल से सराउंड हुए हाइपोस्टोम। साथियों आगे बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डाइजेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दैट टेक्स प्लेस, कैसे? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल, एक्स्ट्रा यानी कि आउटसाइड द सेल इन द कैविटी ऑफ ए लाइन, ये एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन द सेल, ऐसे डाइजेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर कहेंगे। और जब बात करेंगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन की, तो ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन द सेल, सेल के अंदर होगा और डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इन टू द साइटोप्लाज्म, इसे क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहेंगे। सम ऑफ द निडारियंस, कई ऐसे निडारियंस, कौन सी निडारियंस होते हैं? यहाँ पर देखिए कि ओरल जैसे निडारियंस, इन्हें स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का, ये क्या होता है कि इनका स्केलेटन होता है, इससे बनता है। और ये निडारियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होंगे इसमें, एक होगा पॉलिप्स, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये पॉलिप, और दूसरा बॉडी फॉर्म है मेडोसा। क्या होता है? द फॉर्मर सिसाइल, सिसाइल यानी कि विदाउट स्टॉक एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा और एडमाशिया, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रा, ये सिसाइल और सिलेंड्रिकल होगा और आपको दिखाई दे रहा है एडमाशिया, इसे सिसाइल या सिलेंड्रिकल फॉर्म कहेंगे। ये हुई बात किसकी? सिसाइल और सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ बॉडी की। प्यारे दोस्तों आगे देखेंगे कि बात करेंगे कि जब वेयर एज द लेटर लेटर द अम्ब्रेला शेप्ड एट प्री स्विमिंग, इनके एग्जांपल की बात हो रही है, ऑरिलिया उसे जेली फिश कहते हैं। यहाँ पर देखिए ऑरिलिया और जेली फिश, दोज निडारियंस विच एग्जिस्ट इन द बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। प्यारे दोस्तों मेटाजेनेसिस किसे कहते हैं? ये ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म निडारिया के टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल पाएंगे, बोथ ये दोनों इंडिविजुअल डिप्लॉयड होंगे, टू ए नंबर के क्रोमोसोम होंगे और बोथ विच रिप्रोड्यूस, दोनों ही रिप्रोड्यूस करेंगे, एक मेंबर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और दूसरा असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ऐसे कंडीशन को मेटाजेनेसिस कहेंगे। यानी कि पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडोसा, असेक्सुअली होगा और मेडोसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल है ओबिलिया, यहाँ पर देखिए कि आपको दिखाई दे रहा है ओबिलिया, ये ओबिलिया का आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इनमें मेटाजेनेसिस होगा, पॉलिप प्रोड्यूस मेडोसा और असेक्सुअली होगा मेडोसा और मेडोसा प्रोड्यूस करेगा पॉलिप सेक्सुअली, एग्जाम्पल है ओबिलिया। साथियों आगे बात करेंगे कि इनके एग्जाम्पल्स की, तो निडारियल के एग्जाम्पल है फाइसालिया, फाइसालिया यहाँ पर देखिए फाइसालिया इसे पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है एडमाशिया उसे सी एनिमोन कहते हैं, यहाँ पर देखिए सी एनिमोन, ये डायग्राम एक छोटा पिक्चर है, ऊपर ये रियल पिक्चर है। तीसरा एग्जाम्पल है पेनोटुला, ये पेन लाइक होता है, सी पेन कहते हैं, यहाँ पर देखिए सी पेन कहते हैं। और फोर्थ एग्जाम्पल है गॉर्गोनिया उसे सी फैन कहते हैं, यहाँ आप देखिए बच्चों मेरे दोस्तों ये फैन जैसा ही दिखाई दे रहा है। और लास्ट एग्जाम्पल है क्या है? मेंड्रिना उसे ब्रेन कोरल, ये दिखाई दे रहा है मेंड्रिना, मेंड्रिना ये ब्रेन जिसका ही दिखा रहे हैं, सॉल ग्वायरियल सुलसी जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसे ये होते हैं निडारियंस। मेरे प्यारे दोस्तों आगे बात करेंगे फाइलम टीनोफोरा की। ये टीनोफोरा, जब बात करते हैं टीनोफोरा की कि ये टीनोफोरा क्या होते हैं, इन्हें कॉमनली सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज कहते हैं और एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, समंदर के पानी में ये पूरे पाए जाते हैं। इनकी सिमेट्री की जब बात करते हैं तो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ऑर्गेनिजम्स, और इनका लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स, इनके बॉडी के अंदर क्या होंगे, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होंगे और ये कॉम्प्लेट्स इन्हें हेल्प करेंगे लोकोमोशन, ये हालचाल करने के लिए ये कॉम्प्लेट्स
हेल्प करेंगी। डाइजेशन की जब बात करते हैं तो दो टाइप का डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। आपने इसके पहले वीडियो ये पहले फाइलम में जान लिया है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात करते हैं। दोस्तों बात करेंगे इनके बायोल्यूमिनस, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन है। बायोल्यूमिनस किसे कहते हैं? ये बायोल्यूमिनस टीनोफोरा की ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, खास प्रॉपर्टी होती है ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इमिट करेंगे लाइट, इनके बॉडी से लाइट आएगा और दैट इज वेल मार्क्ड इन द टीनोफोर। सिर्फ टीनोफोर में ही ये बायोल्यूमिनस प्रॉपर्टी होगी। और इनके सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेपरेट नहीं, मेल अलग नहीं होगा, फीमेल अलग नहीं होगा, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होगा। ऐसे कंडीशन को हर्मियाफ्रोडाइट कहते हैं। हर्मियाफ्रोडाइट याद रखिए, अरे दोस्तों हर्मियाफ्रोडाइट यानी कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेपरेट नहीं होते। जब बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, फाइलम टीनोफोरा की, ये टेक्स प्लेस ओनली बाय अ सेक्सुअल मींस, सिर्फ सेक्सुअल मींस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा टीनोफोरा में। आप ध्यान से सुन ले, ऐसे जब फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसे क्या कहेंगे? सिंगैमी। सिंगैमी आउटसाइड द फीमेल बॉडी, दैट इज इन द आउटर एनवायरमेंट, स्पेशली इन वाटर बॉडीज में इनका फर्टिलाइजेशन होगा। ऐसे फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब बात करते हैं डेवलपमेंट की तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसे कहते हैं भाइयों? लार्वा इज हैच्ड फ्रॉम द एग, एक से लार्वा हैच होगा, एक से लार्वा बनेगा और ये लार्वा मेटामॉर्फाइज्ड होगा अडल्ट्स में। ऐसे डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, याद रखिए। प्यारे साथियों एग्जांपल की जब बात करते हैं तो ये प्लूरोब्राचिया, यहाँ पर देखिए ये प्लूरोब्राचिया का आपके लिए पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये बायोल्यूमिनस होता है। टीनोप्लेना दूसरा एग्जाम्पल है, टीनोपेना, टीनोप्लेना और टीनोप्लेना का ये आपके लिए ये डायग्राम दिया है। ये हुई बात प्लूरोब्राचिया और टीनोप्लेना की, ये बायोल्यूमिनस होंगे, सेक्सेस ये सेपरेट होंगे, सेपरेट नहीं होंगे सॉरी, हर्मियाफ्रोडाइट यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सिंगल बॉडी में, एक ही बॉडी में होंगे टीनोफोरा और ये प्लूरोब्राचिया में। आगे बात करेंगे कि फ्रेंड्स इस वीडियो को आप यहाँ पर स्टॉप करते हैं, थैंक्स कहता हूँ। इस वीडियो को यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।